बांग्लादेशी गैंग के 9 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, 3 महिलाएं भी शामिल, बांग्लादेशी पासपोर्ट किया जब्त। संवाददाता फारूक कुरैशी की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के टप्पेबाज गिरोह के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए एक बदमाश के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला है। पकड़े गए बदमाश मुरादाबाद, मेरठ, आगरा के पते पर रहते थे और पूरे प्रदेश में टप्पेबाजी, चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से 14 मोबाइल, 36,000 रुपए और विदेशी मुद्रा रियाल भी बरामद हुए हैं। एसपी राजेश द्विवेदी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में टप्पेबाजी की घटनाएं हो रही थी, जिस पर पुलिस की नज़र थी। इस गैंग को पकड़ने के लिए कोतवाली शहर पुलिस के साथ ही एसओजी टीम को लगाया गया था। रविवार की रात मुखबिर से सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन हरदोई के माल गोदाम गेट चौराहे पर टप्पेबाज और चोरों का शातिर गिरोह इकट्ठा होकर भागने की फिराक में है। पुलिस ने घेराबंदी कर बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे गैंग का राजपाश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बांग्लादेश के कुलना जिले के वरापुर थाना दिगुलिया निवासी आलमगीर के पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला है। उसकी बहन अफरोजा को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बांग्लादेश के मदारीपुर थाना सेपचार सीलापुर निवासी व वर्तमान में सीलमपुर दिल्ली में रहने वाले मोहम्मद शाह आलम के साथ ही मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर के चंद्रशेखर, आगरा की रघुवीर बिहार कॉलोनी के मोहम्मद खैरुल, नीली पत्नी शाहिद अली, मथुरा के जमुनापार थाना क्षेत्र के लोहावन के मोहम्मद मिंटू और उसकी पत्नी हामिदा के साथ ही एक किशोरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों बांग्लादेशी करीब 15 साल से भारत में ही रह रहे थे। पुलिस ने बताया गिरफ्तार तीनों बांग्लादेशी करीब 15 साल से भारत में ही रह रहे थे और अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ पूरे प्रदेश में टप्पेबाजी, चोरी और मौका पाकर लूटपाट करते। इनके गैंग में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल रहते। यह गैंग कभी भीख मांग कर तो कभी कूड़ा बीनने की आड़ में घटनाओं को अंजाम देते थे और अभी हाल में ही शहर में 3 घटनाओं के साथ ही पाली और बेलग्राम में भी इन लोगों ने ही टप्पेबाजी की थी। गिरफ्तार किए गए 3 बदमाशों की बांग्लादेशी होने की पुष्टि हो गई है। बाकी अन्य बदमाशों के भी बांग्लादेश से तार जुड़े हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जनपद में कोतवाली शहर में 9 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से एक बाल अपचारी है। इन लोग का जो है बांग्लादेशी होना ज्ञात हुआ है। एक आध लोग का बांग्लादेश में वैवाहिक संबंध भी ज्ञात हुआ है। इनके पास से 33,600 रुपये रियाल, जो कि विदेशी मुद्रा है, मोबाइल फ़ोन का भारी संख्या में, वह एक बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये इसी प्रकार बांग्लादेश से आकर और विभिन्न प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सामूहिक रूप से या तो टप्पेबाजी करते थे या चोरी की घटनाएं करते थे। हमारे जनपद की भी 5 घटनाएं इनके द्वारा स्वीकार की गई, जिसकी बरामदगी की गई है। एक घटना में इनके द्वारा जो है चेन चोरी की गई थी, वो अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। एक अभियुक्त अभी इसमें फरार है, उसको पकड़ करके शीघ्र बरामदगी की।